नमस्कार छात्रों, हम देख रहे हैं कि आज का जो पाठ है हमने शुरू किया है मधुबा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित मधुबा। इस पाठ के बारे में देख रहे हैं मधुबा यह एक छोटा सा बालक है। इस पाठ को पढ़ने और भी कई बात आते हैं, जैसे कि ठाकुर साहब हो सकता है, शराबी हो सकता है, मधुबा हो सकता है और वहाँ पे होने वाला ठाकुर साहब का एक चपरासी। इस तरह से वहाँ पे होने वाला जो शराबी है वो शराबी कहानियां सुनाना है और अपने जिंदगी का गुजारा पीने से किया करता है, हमेशा पीता रहता है और उसके साथ कोई होता नहीं है, वो केवल अकेला ही होता है। वह सात दिनों से कुछ किया नहीं था, केवल चना चबा रहा था और सातवां दिन था उसका आज। तो वह ठाकुर साहब के यहाँ पहुंचा था और वह ठाकुर साहब उनके सारे कहानियां हमेशा सुनता था। तो उनकी कहानियों में ठाकुर साहब को एक कहानी पसंद आई थी और वह तीस लगी हुई थी, यानी कि हमेशा याद आने वाली एक कहानी थी, वो थी गढ़ी वाली कहानी। गढ़ी वाली कहानी में जैसे कि असफुद्दौला ने एक गरीब लड़की को चना दाना देने के बजाय उसे मोतियां खाने के लिए दे देता है, लेकिन वो आबादी लड़की क्या करती है, जिस तरह से चना चबाते हैं उसी तरह से मोतियों को चना चबा के मोतियां कर रही थी, थूक रही थी। इस तरह से वह मूर्ख लड़की को मूर्ख बनाकर वह अमीर व्यक्ति या तो असफुद्दौला उसका मजाक उड़ा देता है, कितना निर्दयी है कहकर जैसे छुटा होता है
शराब बनो एक रुपया दे दे और एक रुपया ऐसे दे ऐसे एक रुपया उठा लो और लल्लू को बेच दे जाओ क्योंकि वह उसे वहां से जाने के लिए बोल देते हैं किसको शराब शराब भी क्या करता है उसे एक रुपये को देता है और वहां से चल पड़ता है शराब एक रुपया उठाकर धीरे से यानी कि जो चपरा सिंह है वो ठाकुर साहब का जहां घर है उसे कुछ दिन में जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार दंड से सुनने का शब्द सुनाई पड़ा वहां खड़ा होकर सुनने लगा शराब क्या करता है वह एक रुपया जो होता है उस एक रुपये को उठा देता है और उस कोठरी के यहाँ लल्लू को ढूंढते हुए यानी वह ठाकुर साहब का जमादार है उस लल्लू को ढूंढते हुए वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद एक सुकुमार के कंठ की आवाज उसे सुनाई देती है तो वही खड़े होकर पूजा करता है उस आवाज को सुनने लगता है तो सुबह रोते क्यों हो कुंवर साहब ने दो ही लात लगाई है कुछ बोली तो नहीं मार दी करके सोचते लल्लू बोल रहा था कि तू उत्तर की सिद्धियों के साथ एकाध मिचकी ही सुनाई पड़ रही थी अब और अपनी कठोर कठोरता से लल्लू ने कहा मतवा जा सो रहा नखरा नहीं नहीं तो उठूंगा तो काल दे दूंगा समझना समझा समझाना वह शराबी एक कोठरी के पीछे वहीं पर जब सुकुमार का कंठ उसका ध्वनि जब सुनता है तो वहीं पर खड़ा हो जाता है वह सुन रहा था कि कोई उसे कोई लड़का रो रहा है और उसे कोई डांट रहा है तो सुवर रोता क्यों है कैसे डांटा है तो सुवर तो रोता क्यों है कुंवर साहब ने दो ही दांत मारी है कुंवर साहब ने क्या किया है कुंवर साहब यानी कि ठाकुर साहब का बेटा उसने क्या किया है दो ही दांत मारी है सिर्फ दो लात मारी है और कर्कश शब्द से लल्लू बोल रहा था कि लेकिन उसके उत्तर में कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी बल्कि वह सिस्कियों के साथ हिचकी चला आया 10 बज रहे थे कड़ाके की सर्दी थी
लगी वह झटक कर बोल उठा, अब क्या रोगे मुझो पे मैं क्या क्या रो रही हूँ छोकरे। इस तरह से वह कह देना है भयभीत जो बालक है वह यहाँ से चला जाता है कि नहीं, ऐसे कहने के बाद वह बालक क्या करता है वहां से वो निकल पड़ता है, निकल के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद तो सनाती ने उसके छोटे से सुंदर से गोरे मुख को देखता है। उस बालक यानी कि मधुआ नामक बालक जो है बाहर आने के बाद छोटे से गोरा गोरा उसका मुख सुंदर सा उसके गोरे मुख को देखता है। उसके उसके आंखों में आश्चर्य हो रही थी, इनके उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। बड़े दिलार से उसका मुंह पोछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आता है। बड़े प्यार से उसका चेहरा पोछता है, उसके आंखें पोछता है और उसे फाटक पर लेकर आता है। फाटक अंदर तरसे बदले हुए कड़ाके की सर्दी थी, शायद 10 बज गए होंगे और रात के 10 बजे जाने
रोटी नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पे रोटी बनाने के लिए आटा ही नहीं रखा था। यही कहने के लिए कि वहां पे आटा नहीं रखा है, रोटी कैसे बनती है, यही बात कहने के लिए वह जमादार के पास गया हुआ होता है। यानी कि ठाकुर साहब का जो तरफ से जमादार लल्लू जो है उसके पास एक बार चला जाता है इस बात को कहने के लिए, तभी से लागत पड़ती है। और इस तरह से वह बातें कहते कहते भूख की बात करते करते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूखी एक साथ ही उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उसके दीनता और उसका जो भूख दोनों एक साथ आक्रमण कर देते हैं, तो वह बालक छोटा सा बालक गोरा सुंदर मुद्रा वाला जो मधुआ नामक बालक है वह क्या करने लगता है, सिसक दे लगता है, इस तरह से रोने लगता है। चार किसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गली मुद्री का दरवाजा धकेल कर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। कटौते हुए सलाई से मिट्टी की डिबरी जलाकर घोड़ा फटे कमर के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला, चरा उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गला भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है ना छोकरे रोना रोए तब तू पीऊंगा, मुझसे रोने से बड़ा भय है, पाजी पीऊंगा मुझे भी रोना देगा। इस तरह से शराबी उसका जब हालत पूछ लेता है, जब उसे मालूम पड़ती है कि इसे सुबह से शाम तक यानी कि रात तक उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, इस बात को सुनते ही वह उस बालक का हाथ पकड़ते हुए घसीटते हुए अपने एक गति गली में लेकर चला जाता है, घसीटता हुआ गली में लेकर चलता है और एक गति कोठरी में चले जाता है। गति कोठरी में दरवाजा धकेल कर बालक को लिए भीतर आ जाता है। वह शराबी आकर कटोरे में वह क्या करता है, मिट्टी की डिबरी को पहले जला देता है। मिट्टी की डिबरी यानी कि मिट्टी के तेल का दीपक, चिमनी कहते हैं आप, सीमे के आगे दीपक का व्यवस्था होगा। अब उसे क्या कहते हैं, जो मिट्टी की डिबरी कहते हैं उसे, मिट्टी मिट्टी की डिबरी यानी कि सीमे यानी कि दीपक। चिमनी यंत्र एक मराठी यानी शायद कुपी यंत्र, लेकिन यहाँ पे आमतौर पर जिस तरह से बातें करते हैं वो चिमनी कहते हैं उसे। चिमनी यानी कि मिट्टी की तेल, मिट्टी का जो तेल होती है उस तेल की डिब्बी को यानी इसके उसका दिया जलाया हुआ है। तो इस तरह से बाहर एक मिट्टी की डिब्बी जलाकर वहाँ फटे फटे कमल के नीचे से कुछ खोजने लगता है। यानी कि सुबह उसने क्या किया कि उसी फटे हुए कमल में से वह रोशनी देख रहा था, सूर्य को अपना मुख दिखाने लायक नहीं था, न तो किसी और को भी मुख दिखाने के लिए वह लायक नहीं था, क्योंकि उसने सात बूंद से एक बूंद भी शराब उसने नहीं दी थी। और उसी फटी हुई कमल में वह अपने आप को समेटते हुए लेटा करता था। उस कमल में से वह कुछ ढूंढता है, ढूंढने के बाद उसे सुबह खाई हुई एक परोठा का टुकड़ा मिलता है। उसे क्या मिलती है, परोठा का टुकड़ा मिलता है। परोठा का टुकड़ा उसे उस फटे हुए कमल में मिल जाती है। शराब उसे बालक के हाथ में देकर बोलता है, तब तक तुम क्या करो, इसे खा लो, तुम्हारी गर्मी भरने के लिए बनी है, ठीक है, पेट भरने के लिए मैं कुछ तेरे लिए लेकर आ रहा हूँ, तब तक तुम इसे चबा लो, खा लो, क्योंकि वह बोल देते हैं और क्या